जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मियां सलान फ़ारूक हूँ और वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज आपको दिखाएंगे एक 10 मरले का स्पेनिश एलिवेशन वाला घर जो कि बहुत खूबसूरत है। और बताता चलूँ आपको, ये 40 फीट वाइड रोड पे लोकेटेड है और बहरिया की बड़ी प्राइम लोकेशन है ये। इसके अलावा अगर इसके बारे में बात की जाए तो नियर टू कमर्शियल, नियर टू पार्क, नियर टू मॉस्क और नियर टू ऑल बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ जो बेसिक ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं उससे ये घर वॉकिंग डिस्टेंस पे लोकेटेड है। एलिवेशन आप देख सकते हैं, खूबसूरत एलिवेशन बनाया गया है और इसी के साथ साथ घर भी अंदर से खूबसूरत होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप हमारी किसी भी वीडियो से टाइमली नोटिफाई हो सकें। तो अब टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं इसके अंदर। तो जी व्यूवर्स, ये जी है हमारे पास 10 मरले का घर बहरिया के बड़े प्राइम लोकेशन पे, बड़े प्राइम ब्लॉक में। एलिवेशन जैसा कि आप देख सकते हैं स्पेनिश एलिवेशन बनाई गई है। टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अंदर। टाइलिंग देख सकते हैं आप, अच्छी टाइलिंग रखी गई है। इसे मैल हो रहा कलर भी कह सकते हैं ताकि जब इस पर डस्ट आती है इतनी ज़्यादा नुमाया नहीं होती। इस साइड पे इसकी जी बनाई हुई है ये वॉल जिसको ग्रास और टाइल से डेकोरेट किया गया है और सामने एक निश बनाई गई है जो कि बहुत खूबसूरत है। ओवरऑल इस साइड पे आपको एक इसका एक छोटा सा स्पेस देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप अपनी शाम की चाय कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ चलते हैं घर के अंदर और अंदर से घर आपको दिखाते हैं। बताता चलूँ, डबल यूनिट घर बनाया गया है। ये इसकी लॉबी है। घर को सिंपल और एलिगेंट रखा गया है और जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि इस साइड पे इसका लोअर पोर्शन है और इस साइड पे इसकी सीढ़ियाँ हैं। मीन्स टू से कि ये डबल यूनिट की तर्ज पे घर बनाया गया है ताकि ना ऊपर वालों की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो ना नीचे वालों की। तो चलते हैं जी अब इसके लाउंज में। मैं इसके जी लाउंज में एंटर हो चुका हूँ, आप जैसा कि देख सकते हैं बड़ी एक्सक्लूसिव सी सीलिंग इसकी बनाई गई है। बीच में एक ज़बरदस्त सा शैंडलियर यूज़ किया गया है। इस साइड पे जी इसकी फीचर वॉल एंड दिस इज़ मीडिया वॉल, टोटल वुडन में रखा गया है। लोअर पोर्शन में इसके जी दो बेड हैं। पहले बढ़ते हैं पहले बेडरूम की तरफ। स्पेनिश चॉकिंग की गई है वॉल्स पे, उसमें वॉलपेपर्स यूज़ किए गए हैं। इसी के साथ सीलिंग्स और ये मीडिया वॉल की जगह ये चीज़ की वार्डरोब आ जाती है। ये इसका वॉशरूम है। अब आपको लिए चलते हैं इसके सेकंड बेड की तरफ। तो जी ये इसका सेकंड बेड है। इसकी फीचर वॉल विंडो वाली को दे दिया गया है और बिल्कुल सामने मीडिया वॉल दे दी गई है। इसमें भी आपको कबर्ड्स देखने को मिल जाती हैं। सीलिंग्स इंस्पायर कर रही हैं मुझे इस घर की, क्योंकि कुछ डिफरेंट सीलिंग्स काफ़ी अर्से बाद देखने को मिली हैं। वॉशरूम को बड़ी रॉयल सी लुक दी हुई है। आप इसकी वैनिटीज चेक कर सकते हैं, अच्छी वैनिटीज़ का इस्तेमाल किया गया है। फैसल के कंसील कमोर्स यूज किए गए हैं और साइड में आपको जगूजी भी देखने को मिल जाती है। ओवरऑल वॉशरूम की टाइलिंग भी अच्छी है। अब जी आपको लिए चलते हैं इसके किचन की तरफ और इसका किचन आपको दिखाते हैं। ये जी इसका किचन है। सारी वुडन कलर की थीम रखी गई है, बड़ा डिसेंट इसको बनाया गया है। इस पे आपको ऑलरेडी ये बेकिंग ओवन और माइक्रोवेव ओवन देखने को मिल जाता है। साथ आपको इस साइड पे इसकी पैनेट्री देखने को मिल जाती है जहाँ पे आप अपनी क्रॉकरी स्टोर कर सकते हैं। इसी के साथ एक अच्छी और बड़े साइज की विंडो दी गई है इसके किचन में। हॉट प्लेट और हुड आपको
पहले ही देखने को मिल जाता है। अब जी आपको लेकर चलते हैं इसके ड्राइंग की तरफ और इसका ड्राइंग आपको दिखाते हैं। तो जी अभी मैं मौजूद हूँ मैं इसके ड्राइंग रूम में। ये इसकी फीचर वॉल है, इसमें फायरप्लेस दी गई है और इसी के साथ ड्राइंग में दो शैंडलियर्स का इस्तेमाल किया गया है। एक अच्छे और बड़े साइज की विंडो दी गई है और टाइलिंग में वुडन टेक्सचर की टाइल दी गई है। अब आपको लेकर चलते हैं अपर पोर्शन की जाने। स्टेयर्स आप इसकी देख सकते हैं जी। तो मौजूद हूँ मैं जी अब इसके अपर पोर्शन के अंदर। स्टेयर्स में ही आपको एक बड़े साइज की विंडो देखने को मिल जाती है। इसी के साथ ये इसकी अपर पोर्शन की लॉबी। फ्रंट पे जी एक बेड, ये जी इसकी मीडिया वॉल, फीचर वॉल और ये विंडोज़ मुझे तो बहुत फैसिनेट करती हैं। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगती हैं। इसकी जो वार्डरोब्स हैं वो इसके वॉशरूम में दे दी गई हैं। इसी के साथ वैनिटीज़ भी अच्छी यूज़ की गई हैं और शावर स्पेस भी सेपरेट कर दी गई है। अब आपको लेकर चलते हैं इसके लाउंज में और इसके तीनों बेड्स आपको दिखाते हैं। एक तो दिखा दिए, बाकी दो भी आपको दिखाते हैं। अब पोर्शन का लाउंज, इस साइड पे किचन, किचन भी एज इट इज़ जैसे नीचे बना हुआ था वैसे ही ऊपर। ये आ गया जी इसका सेकंड बेड अपर पोर्शन का। वार्डरोब जिस साइड पे दे दी गई हैं और इसी के साथ ही इसका अपर वॉशरूम अटैच साथ। साथ वाले बेड पे चलते हैं, वो दिखाते हैं आपको। साइड पर वार्डरोब्स हैं, ये फीचर वॉल, मीडिया वॉल, एक अच्छे साइज की विंडो, ये इसके प्रोपोर्शन का सॉरी बेड का साथ अटैच वॉशरूम। और अब आपको चलते हैं लेकर इसकी बेल्कनी की तरफ और थोड़ी सी सराउंडिंग विजिट करवा के वीडियो को इख्तिताम पे लेकर चलते हैं। तो जी ये मैं इसके बेल्कनी में मौजूद हूँ। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एलिवेशन। सराउंडिंग्स आपको दिखाता चलूँ। हर तरफ घर बने हुए, LDA से अप्रूव्ड एरिया और अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। और एक बहुत जो अच्छा एक प्लस पॉइंट है कि बिल्कुल बैक पे आपको इसके पार्क देखने को मिल जाता है। घर बहुत ही मुनासिब डिमांड में है। अगर आप लोगों को घर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो घर लेना चाहते हैं और एक मुनासिब बजट में घर लेना चाहते हैं। बाकी जैसा कि रिहाइश होल्डिंग का आप लोगों से वादा रहे कि आपको एक क्लियर और ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा जहां पे आप अपनी तसल्ली के साथ अपनी हर डील क्लोज कर सकते हैं। इसी के साथ जी मुझे दे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, इस चैनल का भी। आपसे मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।